हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसके एजुकेशन में। करंट अफेयर्स 3 दिसंबर 2019 के जितने भी हैं वो आज हम आपके सामने लेके आए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको करंट अफेयर्स, जो कि किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर पूछे जाते हैं, उनकी तैयारी हम आपको करवाते हैं। इसके अलावा अदर जो सिलेबस हैं उसकी भी तैयारी हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको करवा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप हमारा फेसबुक और ट्विटर पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और आपको क्लियर करना चाहूँगा कि आपको क्वेश्चन को भी अच्छे से समझना है और जो आंसर है उसको भी अच्छे से समझना है। कई बार क्या होता है कि आंसर से ही मिलाते हुए क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? अनिल कौशिक, देवेंद्र नारायण, सोमा राय या फिर जतिन प्रसाद? तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, सोमा राय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? उसका सही जवाब है 2 दिसंबर। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व एड्स मनाया जाता है? 28 नवंबर को, 29 नवंबर को, 30 नवंबर को या फिर 1 दिसंबर को? जो इसका सही जवाब है वो है 1 दिसंबर को। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में या आंसर में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, हम संबंधित पर्सन को वो पीडीएफ फाइल भेज देंगे। आगे का हमारा वीडियो देखिए। नियमित टीकाकरण से छूट बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया गया है? मिशन जीवन रक्षा 2.0, मिशन इंद्रधनुष 2.0, मिशन आयुष 2.0, मिशन सद्भाव 2.0? द करेक्ट आंसर इज मिशन इंद्रधनुष 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मलयालम के किस कवि ने साहित्य जगत में उत्कृष्ट योगदान हेतु 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? अक्तिम अच्युतन नंबुदरी, पुरुषोत्तम बिल्लीमाले, समीम हनफी, ओ एन वी कुरुप? जा दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अकीतम अच्युतन नंबुदरी। नाम थोड़ा कठिन लग सकता है आपको। नेक्स्ट इज, कर्नाटक के किस तेज गेंदबाज ने T20 मैच में एक ओवर में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? उसका जो सही जवाब है वो है अभिमन्यु मिथुन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल पेमेंट के लिए अनिवार्य रूप से फास्टैग लागू करने की तारीख कब तक बढ़ा दी है? 25 दिसंबर, 29 दिसंबर, 31 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर? जिसका सही जवाब है वो है 15 दिसंबर। पहले ये तारीख 1 दिसंबर रखी गई थी लेकिन अब इसको बढ़ा दी है। फास्टैग क्या होता है? जो कि गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है, एक टैग सा होता है
जिस पर उस गाड़ी को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं है। जो सेंसर सिस्टम है वो ऑटोमेटिक उसको कैप्चर कर लेगा और पेमेंट डिडक्शन हो जाएगी और गाड़ी बिना रुके कुछ सेकंड के लिए बिना रुके वो आगे बढ़ती जाएगी। आपको उसमें समय की भी बचत होती है और जो कई गाड़ियाँ बिल्कुल स्टार्ट रखते हैं लोग वेटिंग लाइन तक, तो उनका भी जो पेट्रोल है वो भी बचता है और समय का भी बचाव होता है इससे, और जो काम है वो थोड़ा जल्दी निपट जाता है। तो ये फास्टैग अभी रिसेंटली लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन हाल ही में किया जाएगा? चीन में, नेपाल में, पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में? जिसका सही जवाब है नेपाल के अंदर। नेक्स्ट इज, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की जननायक जनता पार्टी JJP को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया? हरियाणा में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? जो जननायक जनता पार्टी है वो हरियाणा से है और दुष्यंत चौटाला इसके संस्थापक हैं, और साथ में अभी रिसेंटली में जो हरियाणा में विधानसभा के इलेक्शन हुए थे अक्टूबर 2019 के अंदर, उसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार में ही 10 सीटों पर कब्जा किया और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम बने। नेक्स्ट इज, हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर सऊदी अरब? भारत इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर? 2 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।